नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों मित्रों, अगले 5 दिन तक हो जाइए सावधान, ढोल के साथ पोल भी खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, बात घर से बाहर निकल चुकी है। अगले 5 दिनों में आपका काला चिट्ठा बाहर आएगा। दोस्तों अगले 5 दिनों में सितारों का यह बदलता चाल जीवन में कई उथल पुथल मचाने वाले हैं। दोस्तों अगले 5 दिनों में आपसे कई मुश्किलों का सामना होने वाला है और साथ ही साथ कई सच्चाई भी निकलकर सबके सामने आने वाली है। तो चलिए जानते हैं अगले 5 दिनों में क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी, साथ ही साथ अगले 5 दिन आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो वहीं आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। अगले 5 दिन विद्यार्थियों के लिए समय कैसे रहेंगे, बेरोजगार लोगों के लिए समय कैसे रहेंगे। अगले 5 दिन प्रेमी शादीशुदा जोड़ों के लिए समय कैसे रहेंगे, इसकी भविष्यवाणी आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, वह भी ग्रह गोचर के आधार पर 100% सटीक। दोस्तों आपसे केवल इतना ही अनुरोध करेंगे कि आप बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो के बीच बीच में हम कुछ सावधानियां बताएंगे और कुछ जरूरी बातें जिन्हें आपको अपने ध्यान में रखकर आने वाले अगले 5 दिन तक चलना है। तो चलिए दोस्तों, समय को ज्यादा नहीं लेंगे, बात करेंगे आपका महाराशिफल, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में संकट मोचन के सारे भक्त कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन जरूर लिखें, आपके जीवन में सारे संकट जो है खत्म हो जाएंगे। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं एक अनमोल विचार से। देखिए दोस्तों, परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत को देखता है। कभी किसी से अपनी तुलना मत करना, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान किसी चीज को भी बेकार नहीं बनाता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन वे अपने अपने समय में। दोस्तों ये मोटिवेशन विचार अगर आपको अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कहिएगा सही बोले गुरुजी। आइए बात करते हैं तुला राशि वालों, अगले 5 दिनों में ढोल के साथ पोल भी खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने मन में कोई बात बहुत दिनों से दबा कर रखते चले आ रहे हैं, तो आपका वो बात अगले 5 दिनों में किसी के सामने खुल सकता है। अगर आप 4 जनों के साथ उठना बैठना कर रहे हैं, तो अगले 5 दिन तक अपनी मुंह को बिल्कुल बंद रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से अपने जुबान पर ताला मार कर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ग्रह सितारे कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगले 5 दिन तक आपको किसी के भी साथ बहसबाजी में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो दोस्तों आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगले 5 दिन कोई भी कार्य अथवा मीटिंग करने से पहले उचित रूपरेखा अवश्य बना लें, क्योंकि आपके द्वारा प्रस्तुति में कोई गलती से काफी नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से ग्रह स्थिति उतना अनुकूल नहीं है, इसलिए कोई भी फैसला बहुत ही सावधानी से लें। मीटिंग और कार्य से संबंधित रूपरेखा बनाने में विशेष ध्यान रखें। नौकरी पेशा लोग फाइनेंस से जुड़े मामलों को और अधिक जो है सावधानी से करें। देखिए दोस्तों, कई बार आपका कल्पनाओं में खो जाना आपको यथार्थ के दूर ले जाता है। बेहतर होगा कि हकीकत का सामना करें, पारिवारिक मामलों में अधिक हस्तक्षेप ना करें, साथ ही साथ खर्चों पर भी कंट्रोल अवश्य रखें। फिजूल खर्ची अभी आपको नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों आपको आने वाले समय में धन की समस्या सता सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे कार्य क्षेत्र में ज्यादा व्यस्तता रहेगी, रुकावटें भी आ सकती है,
इसलिए आपको कामों में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। कार्य प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने के लिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। किसी भी सहयोगी से काम लेकर बहस हो सकती है, इससे वातावरण खराब भी रहेगा। इसलिए दोस्तों, आपको जो है बहसबाजी में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर कोई छोटा बड़ा बात आपको कह भी देता है तो आप उसे नज़रअंदाज करके चलिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 5 दिन आपके लिए बहुत ही दिक्कत और कष्टदायक रहने वाला है। जितनी ज़्यादा सावधानी रखेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेंगे। इसके उपरांत गलतफहमियों को अहम की बजाय किसी नज़दीकी संबंधी के साथ मन मुटाव भी हो सकता है और इसकी वजह से संबंध भी खराब हो सकते हैं। इन नकारात्मक बातों को वर्तमान में याद रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। जितना हो सके भूलने का प्रयास करें तो ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें अगले 5 दिन साझेदारी संबंधित बिजनेस में देखिए और सावधानी से संबंध खराब हो सकते हैं। पारदर्शिता रखना भी जरूरी है। ऑफिशियल यात्रा संबंधित आवेश मिल सकता है और इस वजह से तनाव आपके ऊपर हावी रहेगा। कभी कभी नजदीकी रिश्तेदारों के साथ यश व क्रोध की वजह से मतभेद होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपनी मनोवृत्ति से सकारात्मक बनाकर रखें। थोड़ी सी सावधानी आपको कई परेशानियों से बचा कर रखेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है थोड़ी सी लापरवाही दिक्कत हो सकती है और थोड़ी सी सावधानी आपको बहुत बड़े खतरों से भी बचा सकती है। इसलिए दोस्तों, सावधानियाँ डिसिप्लिन जीवन में बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा सावधान रहेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेंगे। दोस्तों, यह समय अपने ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ और कारभार लेने से परेशानी में आएंगे। बेहतर होगा कि आप अपनी क्षमता अनुसार ही किसी की मदद करें। कभी कभी आप अपना धैर्य खोने की वजह से किसी बात विवाद में भी पड़ सकती हैं। इसलिए दोस्तों, अभी आपको सावधान रहना होगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय या राजनीतिक संबंध व्यवसाय में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होंगे। सोशल मीडिया और पब्लिक रिलेशन संबंधी कार्यों पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखें। कार्य का सोशल और कार्य क्षेत्र का माहौल, परिस्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में रहेंगी। वही दोस्तों, अगर लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय घर में प्रेमपूर्ण और खुशनुमा माहौल रहेगा, परंतु प्रेम संबंधों में मर्यादित का ध्यान रखना अति आवश्यक है। आपका दाम्पत्य जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे और उनकी शादी जो है फिक्स हो सकती है। जो जातक बहुत दिनों से शादी उनकी नहीं हो रही थी, तो अगले 5 दिनों में कुछ ऐसा होगा जो कि दोस्तों उनकी शादी भी लग सकती है, शादी फिक्स भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगले 5 दिन तक कुछ इस तरह से रहने वाला है। जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगी हो तो इन जानकारियों से सहमत हैं, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। दोस्तों, दिन आपका शुभ हो। माता रानी।